हैना रो न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाती हैं। इन्होंने फरवरी 2015 से अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। इनका पूरा नाम हैना मैरी रो है और इनका जन्म 3 अक्टूबर 1996 पामस्टन नॉर्थ मैनावाटू न्यूजीलैंड में हुआ। इनके दो भाई हैं जिनका नाम कैमरन माइकल रॉ और ब्रेडन क्रेग रॉ है। हैना रॉ दाएं हाथ की बैटर और दाएं हाथ की मीडियम पेस बॉलर है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक ऑलराउंडर की होती है और इनकी जर्सी नंबर है 74। हैना रॉ की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनकी कैप नंबर है 47। इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 13 जुलाई 2015 इंडिया के खिलाफ खेला और वनडे में इनकी कैप नंबर है 132। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 26 फरवरी 2015 इंग्लैंड के खिलाफ खेला और हैना रो डोमेस्टिक लेवल यानी घरेलू स्तर पर 2011 से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से खेलती हैं। इन्होंने बचपन से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। इनके दोनों भाई भी क्रिकेटर हैं और हैना रॉय ने मैसी यूनिवर्सिटी नॉर्थ न्यूजीलैंड से अपनी पढ़ाई पूरी की और 2011 में न्यूजीलैंड के लिए डोमेस्टिक लेवल पर अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की। घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन की बदौलत हैना रॉय ने 26 फरवरी 2015 को वनडे इंटरनेशनल में अपना डेब्यू किया और इसी साल 13 जुलाई 2015 को इंग्लैंड के खिलाफ अपना T20I डेब्यू भी किया। अगस्त 2018 में आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के बाद हैना रॉय को न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से सम्मानित किया गया और 2018 ICC महिला विश्व 2020 टूर्नामेंट के लिए और अक्टूबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया में 5 मैचों की श्रृंखला के लिए और 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए हैना रॉय को न्यूजीलैंड टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया। अभी तक इन्होंने 42 वनडे मैचों में 9.68 की औसत से 184 रन बनाए और 28.27 की औसत से 44 विकेट लिए हैं जिसमें इनका 5 विकेट हॉल शामिल है और इनका एक मैच में बेस्ट बॉलिंग फिगर है 55 रन देकर 5 विकेट। वहीं 32 T20I मैचों में 22.25 के औसत से 89 रन बनाए और 24 के औसत से 15 विकेट भी लिए और एक मैच में इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है 18 रन देकर 3 विकेट। हालांकि अभी तक इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर कुछ खास कारनामे नहीं किए हैं लेकिन हम हैना रॉय के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि ये इससे भी और अच्छा क्रिकेट खेलें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।